अस्सलाम वालेकुम। आलू बुखारे खाएं और ख़ुद को सेहतमंद बनाएं। आलू बुखारे के 13 ऐसे फ़वाद जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। आलू बुखारे को गज़ा भी कहा जाता है, ये आपको गज़ाइत भी देता है और दवा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी तिब्बी फ़वाद छुपे हैं। सिर्फ़ एक आलू बुखारा आपके हेल्थ, फिटनेस और ब्यूटी से जुड़े मसाइल को हल कर सकता है। पाकिस्तान में आलू बुखारा बकसरत पैदा होता है। आलू बुखारा का मिजाज सर्द होता है। आलू बुखारा खुश करके भी इस्तेमाल किया जाता है। आलू बुखारा देखने में तो बहुत छोटा सा फल है, लेकिन इसके हैरान कन फ़वाद आपको दंग कर देंगे। ये न सिर्फ जायके और लजत से माला माल है, बल्कि इसमें बड़ी मकदार में विटामिन सी पाया जाता है। आलूचा दुनिया का मकबूल फल है, जो सोखने के बाद आलू बुखारा बन जाता है। ये खाने के अलावा अद्वियात के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे जिगर और दिल के मरीजों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आलू बुखारा ना सिर्फ जायकेदार और सेहत बख्श हैं, बल्कि ऐसे खुश करके भी मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फल बादाम और आड़ू की नस्ल के फलों में शामिल हैं, जिसके मुतअद्दिद अक़साम बाज़ार में मिलते हैं, जबकि जायका मीठा या खट्टा होता है और इसके रस भी मज़ेदार होते हैं। ये फल पोटाशियम, सेलेनियम और दीगर मिनरल्स के साथ विटामिन सी और बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है। ये फल बहुत फ़वाद के हामिल हैं, जो आज के वीडियो का टॉपिक भी यही है। कंट्रोल डायबिटीज़। आलू बुखारे में ऐसे बायो एक्टिव कंपाउंड मौजूद होते हैं, जो ज़ियाबतीस के मर्ज के शिकार होने से बचाने में मदद देते हैं। ये फल जिस्म में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने वाले हार्मोन की सतह भी बढ़ाता है, जबकि इसमें मौजूद फाइबर जिस्म के कार्बोहाइड्रेट जज़ब करने की रफ़्तार को सुस्त करता है। आलू बुखारे को खाने की आदत इंसुलिन की हसासियत बढ़ाती है, जिससे ज़ियाबतीस के शिकार अफराद के लिए इस मर्ज की पेचीदगियों से बचना आसान हो जाता है। आल्सो यूज़फुल फॉर मेंटल हेल्थ। आलू बुखारे में मौजूद पॉलीफिनोल दिमागी अफाल को बेहतर करता है, जबकि दिमागी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, जिससे उम्र बढ़ने से लाहिक होने वाले अमराज का ख़तरा भी कम होता है। इम्प्रूव द डाइजेस्टिव सिस्टम। आलू बुखारा गज़ाई फाइबर के हसूल का बेहतरीन ज़रिया है, जो कि निज़ाम हाजमा को रेगुलेट करने में मदद देता है। गज़ाई फाइबर के दो अकसाम लेग्जेटिव की तरह काम करके कब्ज़ को दूर करती हैं, जबकि कचरे के मुअसर अखराज में मदद देता है। कब्ज़ के शिकार अफराद को खुश्क आलू बुखारे बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। बेनिफिशियल फॉर आई साइट। विटामिन सी और बीटा कैरोटीन से भरपूर फल आंखों की सेहत बेहतर करने में मदद दे सकते हैं, क्योंकि ये अज़ा आंखों की सेहत को मुस्तहकम रखने के लिए फ़ायदेमंद, जबकि उम्र बढ़ने से पटों की कमजोरी और मोतिया वगैरह से बचा सकते हैं। आलू बुखारा कैरोटीन, ल्यूटीन और दीगर अहम अज़ा से भरपूर फल हैं, जो सूरज के अल्ट्रावायलेट शुआओं के मुज़र असरात से तहफ़ फराहम कर सकते हैं। फ्रेंड ऑफ द हार्ट। खुश्क आलू बुखारे को खाना शरियानों में खून के बहाव में मददगार साबित हो सकता है। इसके नतीजे में दिल के मुख्तलिफ अमराज जैसे कार्डियक अरेस्ट, फालज और दीगर अमराज से तहफ़ मिल सकता है। इम्प्रूव द बॉडीज इम्यून सिस्टम। विटामिन सी जिस्मानी दिफाई निज़ाम को मजबूत करने में मदद देता है। यह विटामिन जिस्म के इन्फेक्शन और वर्म के खिलाफ जिस्म की मुज़ाहमत को ज़्यादा बढ़ाता है। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। आलू बुखारों में विटामिन के और पोटाशियम मौजूद होता है, जो कि जिस्म के आयरन जज़ब करने की सलाहियत को बेहतर करते हैं। इसी तरह इस फल में मुनासिब मकदार में आयरन और कापर भी मौजूद हैं, जो कि खून के सुर्ख खलियात के बनने में मदद देते हैं, जिसके नतीजे में खून की कमी दूर होती है, जबकि खून भी साफ होता है और दौरान खून बेहतर होता है। फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स। आलू बुखारे में कई अकसाम के एंटी ऑक्सीडेंट्स काफ़ी मकदार में मौजूद हैं, जो कि जिस्म को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इसमें मौजूद फिनोल्स न्यूरॉन्स को तकसीदी तनाव से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। बेनिफिशियल फॉर द स्किन। विटामिन सी और एंटी ऑक्सीडेंट्स जिल को जगमगाने और नौजवान रखने में मदद देते हैं। विटामिन सी जिल पर जरिया और फाइन लाइन्स के खतरे भी कम करते हैं। स्ट्रेंथन द बोन। आलू बुखारे हड्डियों को 20% ज़्यादा मजबूत बनाता है, जबकि खुश्क आलू बुखारे भी हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार साबित होता है और ये हड्डियों को रेडिएशन से तहफ़ भी फराहम करता है। ड्राइड प्लम्स एंड कोलोन कैंसर। कैंसर में कोलोन यानी आम कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है
जिसकी वजह से अमेरिका में हर साल 50,000 अफराद मर जाते हैं, जबकि खुश्क आलू बुखारे के ज़रिए इस मरस का इलाज किया जा सकता है। खुश्क आलू बुखारे में ऐसे खसूसियात पाई जाती हैं जिसकी वजह से आंत में ऐसे माइक्रोब पैदा होते हैं जो कि कैंसर से बचा जा सकता है। यह कैंसर आंत में होने वाली सोजिश से पैदा होता है और अगर माइक्रोब को नुकसान पहुँचने लगे तो यह कैंसर तेज़ हो जाता है। खुश्क आलू बुखारे से हमारे जिस्म में फिनोलिक कंपाउंड बढ़ते हैं जिसकी वजह से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं जो कोलोन कैंसर को कम करते हैं। आलू बुखारा खाने से जिस्म में ये तब्दीलियाँ आती हैं। आंत में माइक्रोबायोटा की तादाद में इजाफा जिसकी वजह से कैंसर कम होता है। इन जरासीम में कमी वाक़ होती हैं जिनकी वजह से कोलोन कैंसर पैदा होता है। खुश्क आलू बुखारे की वजह से कैंसर के खतरात न सिर्फ कम होते हैं बल्कि कैंसर की सूरत में इसमें बेहतरी भी आती है। Be careful not to eat these things with empty stomach. पोटाशियम के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर को मामूल पर रखने में मदद मिलती है और अमराज़ कल्ब, हार्ट अटैक, फालज और गशी जैसे अमराज का ख़तरा कम हो जाता है। खुश्क आलू बुखारा जिस्म के पोटाशियम की ज़रूरत पूरी करने में मदद देता है। खुश्क आलू बुखारा विटामिन ए के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया है। यह हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद देता है। आलू बुखारा बालों की नशोनुमा और जिल्द की खूबसूरती के लिए भी मुफीद है। द मेजिकल बेनिफिट्स ऑफ प्लम फॉर द हार्ट, लिवर एंड स्किन। खुश्क आलू बुखारा का जूस जिस्म में आयरन की कमी को दूर करता है। इस फल में पाया जाने वाला विटामिन ए जिस्म में पोटाशियम के हुजूल का अहम जरिया तसव्वुर किया जाता है। इससे हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाता है। ऐसे एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर भी कहा जाता है जो जिगर को बुखार होने नहीं देता। आलू बुखारा को रात भगो कर रखें और सुबह खाएं तो दिल और जिगर को काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। दिल और जिगर के अलावा इसमें जिल्द के लिए भी फ़वाद हैं। दो आलू बुखारे को पानी में भगो कर चेहरे पर लगाएं तो निकार आएगा। इसमें जहनी दबाव कम करने की भी खासियत मौजूद है। आलू बुखारे को कम और ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हाथों और बीमारियों के बारे में जानने के लिए लेफ़्ट या राइट वीडियो पर ज़रूर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।